नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूँ रामपुर के एक छोटे से कस्बे स्वार में। और यहाँ पर जिस स्थान पर हम खड़े हैं, ये जगह कहलाती है डाक बंगला। आप मेरे पीछे एक बिल्डिंग सी देख रहे हैं, ये अंग्रेजों के ज़माने का एक बनाया हुआ बिल्डिंग है जिसको मरम्मत कर दी गई है। कहते हैं जब अंग्रेजों की सरकार थी, अंग्रेजों का शासन था, भारत गुलाम था, उस वक्त यहाँ पर जो अधिकारी रहता था उस अधिकारी के ठहरने के लिए और जो अंग्रेजी अफसर आते थे यहाँ उनके ठहरने के लिए यहाँ पर एक डाक बंगले का निर्माण करवाया गया था। अब फिलहाल इसको दोबारा से मरम्मत कर दिया गया है और नवीन। तो देखिए दोस्तों, इसमें चलने के लिए सबसे पहले ये एक संकरा रास्ता है, छोटी सी गली है। इस गली से होकर हम डाक बंगले की तरफ जाएंगे। ये सामने शहर का नज़ारा, और देखिए इसके पूरे प्रांगण में इस वक्त घास जमी है। हालांकि गनीमत है कि यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं है, काफ़ी ठीक ठाक सा माहौल है और बच्चे अक्सर यहाँ खेलने आते हैं। देखिए अब हम इसकी ओर चल पड़े हैं। दोस्तों इतनी पुरानी बिल्डिंग लगभग 150-200 साल के बाद भी आज भी ठीक ठाक हालात में यहाँ है, ये एक बड़ी बात है। और देखिए इसके ऊपर यहाँ पर आईडी रेस्ट हाउस लिखा है, जिस तरह से अब गेस्ट हाउस होता है, उस वक्त शायद इसको रेस्ट हाउस बोला जाता हो। और ये अंग्रेज अधिकारियों के ठहरने के लिए विशेष रूप से बनाया गया था। अब इसका प्रयोग तो नहीं होता, लेकिन अच्छी बात है कि प्रशासन ने इसकी देखभाल की है और यहाँ प्रांगण की भी साफ़ सफाई होती रहती है। ये देखिए यहाँ का जो घास है वो साफ़ कर दिया गया है और देखने में बिल्कुल नहीं लगता कि इतना पुराना है। अभी यहाँ जो चौकीदार रहता है वो है नहीं, वरना हम इसके अंदर भी जाकर देखते। दोस्तों इसका निर्माण जो है लगभग 1900 के आसपास कराया गया था, 1903 या 1905 के बीच में ऐसा लोग बताते हैं। और पीछे से कभी रास्ते होते थे जो टूटे हुए हैं। किसी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं है। ये देखिए इसके दरवाजे लगे हैं, फर्श लगा दिया गया है, टाइल्स लगा दिया गया है। ये कुछ मरम्मत बाद में की गई थी इसकी। तो दोस्तों ये छोटा सा, छोटे से कस्बे में बना हुआ एक छोटा सा डाक बंगला था। अंग्रेजों ने हर जगह कुछ ना कुछ निर्माण ज़रूर कराया जो आज भी मौजूद है। बने रहिएगा वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।